खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। आपको बताते चले कि बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे ऑटो वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन अधिकारी की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को बिंदनगर में 17 ऑटो वाहनों को RTO ने जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। ऑटो वाहन से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही थी। सप्ताह में 2-4 ऑटो वाहनों के पलटने और कई सवारियों के घायल होने की खबरें आम बात हो गई थी। इन ऑटो वालों के पास फिटनेस के साथ साथ परमिट भी नहीं रहता था, जिस पर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने वाहनों का संघनन जांच अभियान चलाकर बिना परमिट और फिटनेस के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर को निर्देश दिया था। शुक्रवार को जिला परिवहन अधिकारी ने बिंदनगर थाना के समीप मुख्य मार्ग इंदिरा चौक पर विशेष अभियान शुरू किया। करीब 2 दर्जन से अधिक ऑटो वाहनों में से 17 ऑटो वालों के पास फिटनेस और परमिट न होने के कारण उन्हें जब्त कर सुरक्षापूर्ण बिंदनगर थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।